हम भजन उजन में उतना नियम नहीं जानता ना कि हम जानता है अपने कर्म से, मतलब सिर्फ ये काम करना हमको ऐसे करना जी। सही से लिखने भी नहीं आता फिर भी लिखते हम जी। आज तक सीख पाए नहीं कैसे राम लिखाया जाता है जो जी। कैसे नियम होता है इसे हमको नहीं मालूम। बहुत सारे परिक्रमा में तो दे जाते होंगे कुछ कंबल कुछ सामान कुछ और सब कुछ दे, सब परवा कर देते, सब जमुना मैया के भेंट करते हमको जब जरूरत पड़ा जितना उतना ही रखे बाकी जमुना मैया हम डालते गए। ठाकुर जी का महिमा आज राम जी का अयोध्या छोड़ के हम यहाँ आए, ठाकुर जी की महिमा है। हाँ हाँ नहीं दोनों राम और कृष्ण दोनों ही दोनों एक ही है, मगर ये है जो जो कृष्ण जो है ना जी छलिया है इनका भेष अलग है जी जी और उनका भेष अलग है वो मर्यादा में रहते हैं जी जी। राम जी जो मर्यादा के मालिक हैं जी जी जी, इसलिए हमको बोले तू जा हुआ तू रहना हुआ गोवर्धन की परिक्रमा करना और खाना। हाँ हाँ राम जी का संदेश है आप तो राम जी का संदेश लेकर आप आए परिक्रमा कर रहे हैं भजन परिक्रमा करना हमारा नित्यम दिन है जी। दोस्तों प्रेम और भक्ति की नगरी में हमारे संत और महात्मा त्याग जो है वो किसी भी पराकाष्ठा को पार कर जाता है, किसी भी सीमा को पार कर जाता है। इतना कठोर त्याग, इतनी कठोर साधना, इतनी कठोर तपस्या है कि हम और आप एक मिनट भी स्थिर नहीं रह सकेंगे, एक मिनट भी उनके त्याग और तपस्या के सामने खड़े नहीं रह सकेंगे। अभूतपूर्व त्याग है हमारे संत और महात्मा का। एक ऐसे ही महाराज जी जंगल में आप सब देख रहे होंगे कि महाराज जी कुछ लिख रहे हैं किताब में, वो राम राम लिख रहे हैं। उनका त्याग अगर सुनेंगे, उनके जीवन में कितना कठोर उनकी साधना है वो अगर सुनेंगे तो वो वास्तव में हम सबको एक बार सोचने पे हम सब मजबूर हो जाएंगे कि कितनी कठोर साधना, कितनी कठोर तपस्या हमारे संत और महात्मा करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि एक पत्थर पर राम राम लिख रहे हैं लगातार 3 साल से महाराज जी ऐसे राम का जाप करेंगे, और जब ये पूरी पुस्तक पूरी हो जाती है तो महाराज जी यमुना मैया के में जाकर प्रवाहित कर देंगे और बोलेंगे हे यमुना मैया, हे ठाकुर जी जाकर इसे धाम पर पहुंचा दो, जिस स्थान पर पहुंचना है राम तक संदेशा मेरा पहुंचा दो, राम तक मेरे मेरे भाव को पहुंचा दो और राम में मुझे लय कर लो, विलीन कर लो। और महाराज जी के स्थान को मैं दिखाऊंगा, यहाँ तो लिखने का स्थान है जहाँ पर बैठकर ईंट पत्थर पर थोड़ा सा आसन जमा लिया है वहाँ पर महाराज जी लिख रहे हैं, लेकिन ये स्थान मैं दिखाऊंगा, ये स्थान देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। महाराज जी की जो शयन है यानी जो बिस्तर है जिस पर महाराज जी लेटते हैं, ये बिस्तर यहाँ पर लेटने का है। इस कठोर स्थान पर एक केवल हल्की सी चद्दर डाल लेंगे और चद्दर डालकर यहीं पर महाराज जी सो जाते हैं। तो महाराज जी का ये कहना है कि यहाँ पर भरपूर नींद आती है, बहुत अच्छी नींद लगती है, और फिर उसके बाद जो है जब भी रात में 2:30 बजे 3 बजे नींद खुलती है तो फिर लिखना शुरू कर देते हैं। महाराज जी का एक ही भाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा राम का नाम लिख कर जो है इस अपने नाम को जो है अपनी भक्ति को राममय कर दें, अपने भाव और भक्ति को लय कर लें। महाराज जी बहुत बहुत वंदन, जय सियाराम जी। महाराज जी लगातार मैं देख रहा हूँ आप लिखते जा रहे हैं राम, हमारा इन्हीं के काम है और कोई नशा नहीं है, हमारा नशा बीड़ी का और इनका नशा बस। अच्छा और कुछ और कुछ नहीं लेना देना किसी से, कुछ का? नहीं से हमको किसी शहर वाले से नहीं मांगना है, न किसी से कुछ कहना है, न कुछ मतलब है हमको। ठाकुर जी 10-20 रुपया जो कुछ होते हैं हमको यहाँ पहुँचा जाते हैं, नहीं तो परिक्रमा जाते हैं तो हमको मिल जाते हैं, बस रोड में पैसे मिल जाते हैं, कभी कुछ मिल जाते हैं, कभी अपने उसी में ठाकुर में लगाते और ठाकुर के नाम लेते जीते जी। तो ये जो पुस्तक ले आते हैं वो भी हम अपने पैसे से लाते हैं महाराज। अच्छा ठाकुर पैसा देता हम लाते हैं और हमारा काम है लिखना, कोई भक्त नहीं दे जाते हमको, भगत से कोई मतलब नहीं है महाराज, न हमको मांगने की जरूरत, हाथ छाने की जरूरत नहीं, न हम बाजार में कभी किसी से राधे राधे करते हैं न कुछ करते हैं जी। हम अपने सीताराम में मगन में रहते हैं, परिक्रमा किए तो सीताराम से किए,
और किसी से कुछ नहीं मांगना। कोई दे भी दिया तो हमको पसंद हो गया तो उसे कबूल किए, नहीं पसंद हुआ तो कबूल भी नहीं किए जी। अच्छा, नहीं पसंद हुआ तो कबूल नहीं करेंगे? नहीं, हम क्यों कबूल करेंगे? अगर उनका भाव लग गया कि भाव ठीक नहीं है तो नहीं कबूल करेंगे? नहीं, हमको जब हमको जो चीज़ नहीं पसंद है उसको हम लेके क्या करेंगे जी। जो हमको पसंद है हम वही चीज़ ले सकते हैं, और जो हमारी ज़रूरत नहीं है तो उसको फालतू लेने से हमको ढोने से ज़रूरत नहीं है। हम इतने गधे नहीं है जो हम ढोते रहें सब सामान जी जी दुनिया भर के हम। अच्छा, मतलब जो ज़्यादा सामान हो जाएगा तो गधे के सामान ढोना ही ढोना? नहीं नहीं, उसको छोड़ देना, हमको उसको लेने नहीं है, हमको लेना नहीं। नहीं, जो हमको ज़रूरत नहीं है तो लेके क्या करेंगे महाराज, कहाँ टांगेंगे हमें जी जी। हमको चलने फिरने के लिए, पैकर्मा करने के लिए हल्का शरीर चाहिए, घूमना है, पैकर्मा करनी है हमको। जैसे 14 कोस की थी, 84 कोस की यात्रा निकलेगी तो झोला झाकर उठाएंगे अपने कंधे पर लेके चल देंगे परिक्रमा करने, परिक्रमा करने। तो फिर ये सब सामान जो उठाएंगे तो हमको मोहब्बत हो जाएगा ना उससे? मोहब्बत हो जाएगा। मोहब्बत हमको नहीं चाहिए, मोहब्बत नहीं चाहिए किसी से भी नहीं, किसी से नहीं। अपना राम के नाम लेनी है, अपने भजन करनी, अपने दुनिया भी जीनी है। अच्छा, राम से ही स्नेह और प्यार चाहिए। पीना ठाकुर जी हमको देते हैं, कोई आश्रमधारी हमको नहीं देते जी जी। आश्रम में जाते नहीं भी खाने के लिए तो हम ठाकुर का नाम लेके घुसते हैं, ठाकुर का नाम लेके बाहर निकलते वापस आ जाते हैं। बार वापस आते हैं, हम ये सोचते हैं जो कुछ दिया खाना खाए से पहले बोल देते ठाकुर को, ठाकुर जी आपका नियम आप जानो, हमको कुछ नहीं लेना देना जी जी जी। हम भजन उजन में उतना नियम नहीं जानता, ना कि हम जानता है अपने कर्म से, मतलब सिर्फ ये काम करना हमको ऐसे करना जी। सही से लिखने भी नहीं आता फिर भी लिखते हैं हम जी। आज तक सीख पाए नहीं कैसे राम लिखाया जाता है, जो कैसे नियम होता है इसे हमको नहीं मालूम, अपने नियम से कर रहे हैं अपना जैसे हमको जो। कई साल से महाराज जी लिख रहे हैं? 3 साल 4 महीना हो गए। 3 साल 4 महीना तो कितनी लिख देते हैं, 1 महीने में कितनी लिख पाते हैं? 1 महीने में 4 कॉपी हो जाती है। 4 कॉपी हो जाती है हाँ, तो 3-4 साल में 350-350-400 के करीब जो है लिख डालें जी। तो ये जाने अच्छा यमुना मैया में प्रवाहित करते हैं हाँ, सुबह की शाम को किसी टाइम, हमारा अच्छा, कोई टाइम टेबल नहीं है। प्रवाहित करते समय क्या बोलते हैं, क्या हम क्या बोलेंगे, बस मैया से बोल देते हैं, मैया हमको सीताराम से मिला देना, बस मैया हमें सीताराम से मिला देना बस, और यही भाव करके प्रवाहित कर देते हैं जी। हमारा ड्रेस भी सीताराम लिखते हैं। अच्छा, ड्रेस पे भी सीताराम हाँ। कहाँ कहाँ है ड्रेस पे सीताराम? सीताराम ड्रेस पर ही अपना नाम लिख दिए, सीताराम लिख दिए। अच्छा, वही सीताराम एड्रेस पे हाँ। तो मैं तो देख रहा हूँ आपके शरीर में भी राम राम ही गुदा हुआ है। सीताराम के सिवा कुछ नहीं, सीताराम है। ओ देखिए, महाराज जी ने अपने शरीर पर भी श्री राम को, भगवान जी को के नाम को ही रखा है। ये देखिए, ये अगर गौर से देखेंगे राम जी हैं, ये देखिए सीताराम जी हैं, और कहीं पर भी सीताराम जी को गोद रखे महाराज जी इधर। अच्छा, सीने इधर, में पूरे सीने में, इधर भी देखिए तो इधर भी जो है हमारा राम को ही गोद रखा है। मतलब हर जगह पर जहाँ पर भी है जैसे है महाराज जी, तो श्री राम जी को ही गोद रखे हैं। झोले पे भी श्री राम जी हैं क्या? अच्छा, यहाँ पर भी देखिए झोले पर भी अगर देखेंगे तो जय श्री राम है, और झोला जो है जय श्री राम दिखाई दे रहा है। तो महाराज जी जैसे यहाँ सोते हैं तो इस पत्थर पर सोते हैं, शरीर पे कष्ट नहीं होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जंगल है, जंगल जैसा है तो? जंगल कुछ नहीं है महाराज, सारे पूरी जंगल तो ये नहीं है, जंगल तो वो है जहाँ गाड़ी मोटर जगारी चलते हैं। अच्छा, जंगल गाड़ी मोटर जो चलता है वो जंगल है। ये मंगल है, मतलब ये जो है हमारा शुभ मंगल है, उनका है, और यहाँ भक्ति और भाव का है बस। शांति में भजन होती है और शांति में रहना जरूरी है साधु संत का, आदमियों के बीच में रह कर क्या करेगा? साधु संतों को आदमियों के बीच में नहीं रहना, जंगल में ही भक्ति भाव हाँ। हमारे ऋषि मुनि भी पहले जंगल में ही भक्ति भाव करते थे महाराज जी, वहीं पर त्याग तपस्या वहीं पे सारा। ठाकुर जी कहते हैं अकेला रहो ज्यादा भजन होगा जी, आदमी के बीच में रहोगे तो भजन नहीं होगा जी जी। धुआं धाकड़ से दूर रहो, धुआं धाकड़ से दूर, तो आप धुआं धाकड़ एकदम दूर रहते कुछ भी। अच्छा, परिक्रमा कै बजे लगाते हैं महाराज जी? परिक्रमा यहाँ से हम 4:30-4 बजे निकलते दिन में महाराज, दिन में शाम को। अच्छा, और 7-8 बजते मुक्ति धाम आते हैं जी। मुक्ति धाम के बाहर लेट है इंजोरा के सामने जी, राम राम लिखते हैं 12-1 बजे रात तक। 12-1 बजे रात तक लिखते रहते हैं हाँ, वहीं पर ही लिखते हैं बैठ कर हाँ। अच्छा, वहाँ से फिर आए अपना यहाँ सोए गए जी, यहाँ पर सोए और फिर स्नान उस्नान किए जी जी। स्नान करके फिर यहाँ सूरज निकला तो जैसे 12 बजे आते हैं सो जाते हैं, कै बजे जगते हैं फिर? 4 बजे
चार बजे जग गए, फिर स्नान ध्यान हो जाता है, चार बजे बाद स्नान स्नान सब कुछ ओके, अच्छा तैयार होके फिर लिखना शुरू, नहीं उजाला हो जाता है, उजाला हो जाता है तब तो। यहाँ और तो कुछ है नहीं महाराज जी, लाइट और लाइट है ना बाहर में है ना, बाहर है मुक्ति धाम के पास लाइट है ना, अच्छा लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो रात में अगर लेटना होता होगा तो बहुत दिक्कत होती होगी। कुछ नहीं दिक्कत है महाराज, ये सोच है आपकी, ये लोगों की सोच है, जहाँ साधु आसन लगा दिया ना कांटा में भी लगा देगा तो उसके लिए मखमल बन जाएगा, कांटा भी मखमल बन जाएगा। तो ये पत्थर ही पत्थर तो मैं देख रहा हूँ महाराज जी, पत्थर नहीं है महाराज जी, ये है धरती मैया का अथी है, धरती मैया का पत्थर, अच्छा। आप क्या कह सकते हैं, ये धरती मैया है ये हमारे जी। तो यहीं पे शयन करना यहीं पे, और कहीं भी कुछ खाने का प्रसाद का तो यहाँ कहीं दूर दूर तक मैं देख रहा हूँ कहीं व्यवस्था नहीं है। प्रसाद मिल जाते हैं महाराज टाटिया में, मिल जाती है प्रसाद दिन में 11-12 बजे मिल जाती, टाटिया में रहा प्रसाद मिलने का तो वहाँ मिल गया, ना तो सुदामा में मिलना ही है। तो वहाँ प्रसाद लेकर जो है फिर एक नहीं हुई है खा लेना, लेके आना कहाँ, किसके लिए लेके आना जी, बड़े बांध के थ्रू किसी को लाना है किसी को देना है, हमको कोई सामान नहीं बांध के लाना जी। तो बहुत सारे परिक्रमा में तो दे जाते होंगे कुछ कंबल कुछ सामान कुछ और सब कुछ दे, सब परवा कर देते, सब जमुना मैया के भेंट करते सब, हमको जब जरूरत पड़ा जितना उतना ही रखे बाकी जमुना मैया में डालते गए जी। तो कड़ाके की ठंड में कैसे कटता है समय, ऐसे ही नहीं सब कट जाती महाराज जी, ट्राक कोई ठंडी नहीं लगती, भजन में कोई ठंडी नहीं है। अच्छा भजन जो है वो शरीर को इतना गर्म कर देता है कि ठंड जो है नहीं आती, भक्ति रस में इतना मतलब वो है जी। तो विश्वास हो तो भगवान को जी ठंडी में नहीं लगती कभी नहीं जी। 4 बजे भोर में स्नान, ठंडी के दिन में भी गर्म पानी ठंडा पानी से कर लीजिए जी, टोटी का पानी हो जी या कल का पानी हो कैसे भी हो पानी, स्नान करिए अपना जी जी, 4 बजे साधु को नहा धोवा के फ्रेश हो जाना चाहिए जी। तो जीवन का यही लक्ष्य है कि बस अब राम राम लिखते हुए बस, और इन्हें जो है राम जी के धाम भेजना है जी। राम जी के धाम में तो हम जन्म लिए आए महाराज, वहीं से हम आए हैं। अच्छा अयोध्या से आए हैं, अरे वाह, अयोध्या से आकर ठाकुर जी के यहाँ जो है हम एक ठाकुर जी को छोड़ के दूसरे ठाकुर जी आए हैं। अच्छा सेवा कर रहे हैं, उन्हीं का महिमा आज हम यहीं आए जी, ठाकुर जी का महिमा आज राम जी के अयोध्या छोड़ के हम यहीं आए, ठाकुर जी की महिमा है। हाँ हाँ नहीं दोनों राम और कृष्ण दोनों ही, दोनों एक ही हैं, मगर ये हैं जो है, जो कृष्ण जो है ना जी छलिया है, इनका भेष अलग है जी जी, और उनका भेष अलग है, वो मर्यादा में रहते हैं जी जी, राम जी जो मर्यादा के मालिक हैं जी जी जी, इसलिए हमको बोले तू जा हुआ तू रहना हुआ गोवर्धन की परिक्रमा करना और खाना। हाँ हाँ राम जी का संदेश है आप, तो राम जी का संदेश लेकर आप आए, परिक्रमा कर रहे हैं भजन परिक्रमा करना हमारा नित्यम दिन है जी, राम लिखना और परिक्रमा करना ये हमारा नित्यम दिन का है, नित्य है। हाँ ये गोवर्धन में रहे, गोवर्धन में भी रहते थे तो गोवर्धन में भी परिक्रमा करते थे जी, वहाँ के अच्छे अच्छे आश्रमधारी हो या कोई भी हो हमको खाना और पैसा आश्रम धारा वाला हमको देता था जी जी जी, यहाँ भी वो सही है जी, हमको कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुआ, कितनों लॉकडाउन हो जाए हमको कोई चीज का परवाह नहीं हुआ, कोई चीज़ का यही फिक्र नहीं हुआ कि हमारे पास है ही कि नहीं है जी। परिक्रमा किए ठाकुर जी ने, वो किसी न किसी रूप से आए दे दिए कि लो हमारे भगत को हमारी ज़रूरत है जी। हम ठाकुर का नाम लेते, ठाकुर के जीते और ठाकुर को जानते, ठाकुर जी हमको खुद स्वयं बनाए, ठाकुर जी ने हमको अलग दुनिया से बनाए हैं, अलग दुनिया में रखते हैं, अलग दुनिया में रहना हमको, जो कुछ करना खुद को करनी जी जी, ठाकुर जी के लिए ही सब कुछ करना, हमारी सारी जिंदगी ठाकुर जी के नाम से लिखा हुआ जी, सारी जिंदगी जब तक जीवित है जब तक हम ठाकुर जी के लिए जिएंगे और ठाकुर के नाम पर खाएंगे, ठाकुर के नाम पर भजन करेंगे जी जी जी। तो दोस्तों महाराज जी ने पूरी जिंदगी जो है ठाकुर जी के नाम लिख दी है, ठाकुर जी को अर्पित की है, ठाकुर जी को समर्पित कर दी है, और आप एक बार फिर देखिए महाराज जी जो है लिखते ही जा रहे हैं लगातार अनवरत, जब भी मैं बात कर रहा था तब भी महाराज जी लिख रहे थे, महाराज जी की कलम नहीं रुक रही थी। महाराज जी की ये कोशिश है कि जीवन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा राम का नाम लिख लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा राम की महिमा का बखान कर लें, प्रभु राम जी के नाम का स्मरण कर लें, वही जीवन
जीवन धन है। तो आप देखिए ना, हमारा सनातन धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में कितना कठोर जीवन हमारे संत और महात्मा जीते हैं, कितनी कठोर साधना करते हैं, कितनी कठोर तपस्या करते हैं कि ईंट के पत्थरों पर ही अपना बिछौना बना लिया, अपना शयन बना लिया, और यहीं पर रहना, यहीं पर शयन करना, यहीं पर विश्राम करना। कभी आप जेहन में उतार कर सोचिए, कभी अपने अंतर मन में सोचिए, कभी भाव देकर सोचिए, क्या किसी धर्म में इस तरह की कठोर साधना है, इस तरह का कठोर त्याग है, इस तरह की कठोर तपस्या है? कहीं पर भी नहीं पाएंगे, सिर्फ सनातन धर्म में पाएंगे। तो मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है मेरी नई पीढ़ी के लोगों से, नई पीढ़ी के बंधुओं से, साथियों से निवेदन है कि आप सब अपने संत महात्मा के त्याग और समर्पण को जानिए, पहचानिए और सीखने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऋषि परंपरा को का अध्ययन करिए। ये ऋषि परंपरा हमारी रिसर्च की परंपरा है, शोध की परंपरा है। उस शोध की परंपरा को जानने की कोशिश करिए। हम सब ही मिलकर अपने संत और महात्मा के त्याग और समर्पण को सारी दुनिया में ले जाने का काम करेंगे। तो आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए, शपथ लीजिए, भारत की संस्कृति की अलख जगाने के लिए हम सब निकलेंगे, एक साथ निकलेंगे और भारत का धर्म ध्वजा सारी दुनिया में फहराने का काम करेंगे। तो ये त्याग और समर्पण की अभूतपूर्व श्रृंखला ऐसे ही संतों के दर्शन के साथ लगातार अनवरत जारी रहेगी। Krishna Krishna Hare Hare।